बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड T20 सीरीज। न्यूजीलैंड बीट पाकिस्तान इन द फर्स्ट T20 इन बाय 46 रन। न्यूजीलैंड लीड द सीरीज 1-0। इन दिस मैच ड्रॉप कैचेस, एक्सीलेंट कैचेस, ग्रेट बॉलिंग, बैड बॉलिंग, रन आउट, a no ball wicket, some fantastic knocks, wow, full package इसके अंदर आपको मिलेगा इस first match के अंदर। पाकिस्तान drop 2 catches, न्यूजीलैंड also drop 2 catches, excellent catches taken by न्यूजीलैंड साइड। मार्क चैपमैन, लुक एट हारिस ऑफ कैच, केन विलियमसन टेक बाबर आजम कैच, सॉरी आदम खान कैच। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है न्यूजीलैंड साइड की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाकिस्तान बॉलिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने पहला ओवर में आप शहजाद रफी साहब ने विकेट ले ली थी। डेविन कॉनवे को चलता किया पहली गेंद पे, लेकिन उसके बाद फिन एरिनो केन विलियमसन का कुछ और ही मूड था। शहजाद रफी साहब को दूसरे ओवर में फिन एरिनो ने 24 स्कोर मारा और भाई जान को कुत्ते की तरह धोया, बंदर बना दिया पकड़े के, इतना धोया फिन एरिन ने। उस ओवर में 24 को सिर्फ एक गेंद दौड़ खेली उसने आखिरी वाली, मतलब उससे पहले उसने तुन के रखा, 2 छक्के 3 चौके शामिल थे उस ओवर के अंदर। और शहजाद रफी साहब ने अगर आप उनकी फर्स्ट 5 बॉल्स देखे ना उस ओवर की, भाई जाने कोई लाइन में एक लाइन भी नहीं रखी बॉल, एक लेग साइड पे, एक ऑफ साइड पे, फिर लेग पे, फिर ऑफ पे, फिर लेग पे, यार तू तो क्या कर रहा है। सिर्फ एक उठने शॉर्ट बॉल थोड़ा सा आगे टीप फेंगी जो उसने वो रोक ली थी, जो वो लास्ट बॉल थी उस ओवर की, उससे बाद उसने सारी बैट भी फेंकी थी भाई जान ने। और भाई जान का आज बॉडी लैंग्वेज भी डिफरेंट थी, क्योंकि कप्तान थे, कप्तान बन चुके हैं टीम के। और लास्ट टेस्ट कहते हैं ना कि लास्ट फ्यू मैचेस है, यानी कि लास्ट 3-4 मंथ से कह रहे हैं, आज भाई जान की बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट थी। एफर्ट कर रहे थे, जान मार रहे थे, क्या कहें बस। और आज पाकिस्तान ने फिर एज यूजुअल क्या किया वो आप सबको पता होगा, उन 100-200 फाड़ लेने ने कैच फाड़ देनी। नो स्कोर में बाबर आजम साहब ने कैच छोड़ दिया केन विलियमसन का। 39 स्कोर पे चाचा इफ्तिखार ने फिर कैच छोड़ दिया केन विलियमसन का। यार इनकी ना पता नहीं क्या है यार, किस नस्ल के हैं ये लोग, इन्हें क्यों नहीं शर्म आती, बंदा इन्हें गालियां भी नहीं दे सकता, क्या करें इन्हें गाली देके, इन्हें असर तो फिर भी नहीं होना, मुंह पे तो इन्होंने मली हुई है। नो स्कोर पे कैच छोड़े केन विलियमसन का, वो 57 बना गया। अगर भाई कैच पकड़ लेता, नो स्कोर कम कर लो, 46 स्कोर का फर्क आ गया, तो उसी 46 स्कोर से आप हारे हो, उसी 46 स्कोर से आप हारे हो। पाकिस्तान कितने स्कोर से आ रहा है, 46 है। वही अगर आप नो स्कोर पे कैच पकड़ लेते वो 46 स्कोर कम बनता उसका, वो आप 46 स्कोर आप मैच जीत गए थे। लेकिन भाई जान को नहीं समझ आते इन लोगों को, इन्होंने मिस फील्डिंग करनी ही करनी है, हर सूरत करनी है। और डेरल मिचेल ने तो कमाल की इनिंग्स खेली भाई, 61 स्कोर बनाया 27 गेंदों पे। और पाकिस्तान की तरफ से जिसने आज डेब्यू किया ना, उमर गुल का भतीजा मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलता है, नो डाउट फैंटास्टिक बॉलर है। मुल्तान सुल्तान की तरफ से बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है लास्ट 2 सीजन, आज उसने कमाल की बॉलिंग की, स्लो ओवर बड़ा बेहतरीन यूटिलाइज किया। यानी कि उसी की गेंद पे पहला ओवर की, उसकी जो पहला ओवर फेंकने आया था उसकी तीसरी या चौथी गेंद में जिस पे कैच छोड़ा गया था केन विलियमसन का, बाबर आजम ने छोड़ दिया, लेकिन उसे फिन एरिन को चलता गया उससे अगली ही गेंद पे, जो सिंगल लेके स्ट्राइक रन पे फेंक लेना है, स्लो बॉल फेंका उसे पिक नहीं, वो लॉन्ग लेग पे लेग साइड पकड़ा आमिर जमाल ने कैच पकड़ लिया था। लेकिन बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, जितनी तारीफ की जाए बादशाह अफरीदी की कम है। डेब्यू प्लेयर, डेब्यू खेलना और इस बड़े ग्राउंड में आके ऑकलैंड में खेलना और इतनी ज़बरदस्त टीम के आगे खेलना और इतनी ज़बरदस्त परफॉर्म करना बॉलिंग की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उसामा मीर का भी डेब्यू हुआ था, लेकिन भाईजान 4 ओवर में 51 खा गए। ये भी मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हैं, पहले खेलते कराची किंग्स की तरफ से, अब यह मुल्तान सुल्तान की तरफ से, और मुल्तान सुल्तान ने रिटेन भी किया है, लेकिन भाईजान ने क्या किया, 4 ओवर में 51 खा गया। शहन अफरी साहब 4 ओवर में 46/3, हारिस ऑफ 4 ओवर में 34/2। और भाईजान जो हमारे हीरो थे आमिर जमाल साहब, जिनकी फंटेस्टिक सीरीज हुई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 18 विकेट्स ली थी उन्होंने सीरीज के अंदर,
इस फर्स्ट T20 के अंदर बेचारे फर्स्ट ओवर में बॉल तो गया, नौ बॉल होगी, लेकिन कहते हैं ना कि क्लिक ना कर पाए, लेकिन एनी अभी 40-20 पड़े हुए हैं। पिछावर जर्मी की तरफ से खेलते हैं, चार ओवरों में इन्होंने 55 स्कोर दिए है भाई जान ने। कोई बात नहीं, इसके लिए कोई गुस्सा नहीं आ रहा जमा के लिए, कोई बात नहीं, कहा मैच हो जाता है, कोई बात नहीं, बेचारा मेहनत करके ऊपर आया। और एनी हाउ पाकिस्तान इनिंग्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान इनिंग्स सैम अयूब ने बड़ी प्यार कमाल की इनिंग्स खेली, 8 घंटों पे 27 स्कोर बनाए, उसे प्रोलॉन्ग कर सकते थे बाड़ी को, क्या कैच भी ड्रॉप हो जाए केन विलियम्स उनका, लेकिन भाई कैच का फायदा नहीं उठाया, 50 में उसे कन्वर्ट कर सकते थे अपनी इनिंग्स को, लेकिन नहीं कर सके। और भाईजान ने जो छक्का मारा नहीं खड़ों के पीछे यार, कमाल का वो छक्का मारा, जितनी तारीफ हुई उस शक्के की कम है। लेकिन सैम अयूब साहब ने कैच का कोई एडवांटेज ना लिया और 27 स्कोर पे रन आउट हो गए। डायरेक्ट वो एडम मिल ने मारा, मोहम्मद रिजवान का भी कैच छोड़ा गया, वो एडम मिल ने ही छोड़ा अपनी ही गेम पर, वो लेफ्ट साइड पे आया था कैच, वो हाथ उलग के नीचे गिर गया था, उन्होंने ट्राई तो की लेकिन हाथ के नीचे गिर गया, भाईजान दोनों ने स्कोर नहीं किया। अगर चाहते दोनों अपनी स्कोर कैच ड्रॉप का फायदा उठाते, अपनी इनिंग्स को प्रोलॉन्ग करते, इनिंग्स अच्छी तरफ लेके जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया। बाबर आजम साहब ने इस साल की पहली इनिंग्स सेंचुरी कर ली है, वो भी T20 के अंदर एक जबरदस्त इनिंग्स, लेकिन बाबर आजम को यह मैच फिनिश करना चाहिए था, लेकिन भाईजान ने मैच फिनिश नहीं किया। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग सो मेनी टाइम, बाबर आजम इज नॉट अ मैच विनिंग प्लेयर। देखें जी आप 50 की और चलता बना भाईजान ने, 57 स्कोर किया भाईजान ने, इसके अलावा और कोई कहते हैं ना कि ड्रॉप कैच भी किया, अगर ड्रॉप कैच किया था भाईजान मैच तो फिनिश करके आना चाहिए था। मेरी नज़र में टर्निंग पॉइंट वो था जहाँ वो आउट हुआ था हमारा चाचा इफ्तिखार, चाचा इफ्तिखार अगर आउट ना होता ना वो मैच हमारा वहाँ से निकल जाना था, चाचा इफ्तिखार आउट हुआ वो टर्निंग पॉइंट बन गया। उससे बाद चाचा इफ्तिखार साहब का हालांकि उससे पहले शॉट मारी है छक्के से, पहले एक शॉट मारी ऊपर चढ़ी वहाँ इशोदी तक, इशोदी नहीं पहुँच सके और गुस्से में चाचा इफ्तिखार ने मारा पैड पे बैट को, यार क्यों नहीं लगी शॉट, क्यों नहीं लगी, उसके बाद छक्का मारा फिर चलते बने। उसके बाद देखें आजम खान साहब स्लो वन फेंकी, फिर जज नहीं कर पा गया, हालांकि पूरा टाइम मिला उन्हें शॉट मारने के, लेकिन भाईजान ने ऊपर चढ़ा दिया। केन विलियम्स ने एज अ ग्रेट मैन, ग्रेट फील्डर यार, कप्तानी भी कमा करते हैं, बैटिंग भी कमा करते हैं, फील्डिंग भी कमा करते हैं, मिड ऑफ द भागते हुए डाइव मार के कैच पकड़ा, जैसे अब्दुल्ला शफीक का पकड़ा था वर्ल्ड कप के अंदर, वैसे आज उसका पकड़ लिया आजम खान का। एनी हाउ पाकिस्तान मैच हार गया और टीम साउथ ने आज एक रिकॉर्ड बना दिया है दुनिया के क्रिकेट में, पहले बॉलर बन चुके हैं इंटरनेशनल टी20 में जिन्होंने 150 विकेट्स ले ली हैं, ये पहले बॉलर हैं दुनिया के जिन्होंने 150 विकेट्स लिए हैं टी20 के अंदर। 4/25 फेंका है, डेरेन मिचो को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है, उनकी बेहतरीन 27 गेंदों पर 100 स्कोर, वाओ, हम सोच ही सकते हैं, हमारी टीम सोच ही रही थी लेकिन उन्होंने करके दिखाया है। और न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड का रिकॉर्ड तोड़ा है अगेंस्ट पाकिस्तान, जिन्होंने 1000 स्कोर बनाया पाकिस्तान के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड टीम तीन टीमें हैं जिन्होंने किया था स्कोर, न्यूजीलैंड पहले नंबर पे आ गई है, फिर इंग्लैंड है, फिर श्रीलंका है, फिर इंग्लैंड है, फिर एंड में आती है माइट बी टीम अब याद वेस्ट इंडीज आती है। एनीवेज कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर अपने कमेंट्स में सजेशन दीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।